अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज क्वेटा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हूँ आफ्टर पादरी। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम लोग इसका लेआउट है, या इस पार्ट में जो पढ़ेंगे वो कंपाउंड होंगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए जाते हैं। टोटल सिंथेसिस डिटेल में देखेंगे, पार्शियल सिंथेसिस डिटेल में देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम डिटेल में देखेंगे, और बाद में हम लोग एक और प्रोसेस देखेंगे जिसको हम फिशर प्रोसेस करेंगे। अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात होती है तो सबसे पहले देखें, सिंथेसिस का लफ्ज आमतौर पर आर्टिफिशियल के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इनकी बात होती है। तो याद रखें, केमिकल कंपाउंड जो कि लेबॉरेटरी में तैयार होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल कंपाउंड या सिंथेटिक कंपाउंड कहते हैं, या वो कंपाउंड जो लेबॉरेटरी में तैयार होते हैं उनका वो मेथड कहलाता है सिंथेटिक। तो याद रखिए, हमारे पास दो प्रोसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के, एक को कहते हैं टोटल सिंथेसिस, एक को कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। तो यानी टोटली हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं, पार्शियल सिंथेसिस कर सकते हैं, ये क्या चीजें भी देखते हैं डिटेल में। जो टोटल सिंथेसिस है उसका स्टेप वन है, हम लोग चीप कॉमन मॉलिक्यूल लेते हैं, जरूरी नहीं वो नेचुरल हो, कहीं और सोर्स से लिया जा सकता है, वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। यानी टोटल सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, चीप या बहुत आसानी से मिलने वाला मॉलिक्यूल लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। यानी हम कोई एक्शन शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, कोई ऐसा सस्ता सोर्स लिया जो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक हो, कहीं और हो, जमीन से मिल लिया, उसे स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उससे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह की सिंथेसिस को टोटल सिंथेसिस कहते हैं। यानी जिसमें हम लोगों ने क्या है, कोई चीप कॉमन कंपाउंड लिया, उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया और उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, तो इसको बेसिकली इंटरनेशनली टोटल सिंथेसिस कहा जाता है। पार्शियल सिंथेसिस क्या है, इसके भी स्टेप्स है। नेचुरल सोर्स से हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, यानी हमने क्या किया, किसी भी नेचुरल सोर्स प्लांट या एनिमल से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट किया, उसे हमने नेचुरल सोर्स से लिया। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उसे स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया, उसी कंपाउंड को जो नेचुरल सोर्स से। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर दिया, तो इसको कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। यानी इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की टोटल और पार्शियल सिंथेसिस है वो इस कैटेगरी में आती है। पर हमारी किताब में थोड़ा सा डिफरेंट इसको रखा गया है, मुझको देखें। टोटल सिंथेसिस क्या है, जब आप की मर्जी का कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसको स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग मुख्तलिफ स्टेप से गुजारते हैं और एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब, व्हेन डिजायर प्रोडक्ट इज प्रिपेयर बाय कन्वर्टिंग द स्टार्टिंग मटेरियल थ्रू मैनी स्टेप्स। जब आपकी मर्जी का कोई प्रोडक्ट बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, उसको मल्टीपल स्टेप से गुजारते हो, तो उसके लिए हम लोग टोटल सिंथेसिस कहते हैं हमारी बुक के हिसाब से। एग्जाम्पल क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको तैयार करना है, अच्छा, और तरीका क्या होगा, ऑब्टेन करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन से, बहुत सारे स्टेप्स के जरिए। हम क्या करते हैं टोटल सिंथेसिस में, हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसको बनाने का जो तरीका इस्तेमाल करेंगे उसमें एक स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजार कर अपनी मर्जी अपना डिजायर का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको टोटल सिंथेसिस कहते हैं। कैसे, ये देखते हैं। पहला स्टेप है, हम क्या करते हैं, ये है ईथेन, कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके तरफ तीन हाइड्रोजन, इसके तरफ ये एल्केन की किस्म है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन है, और हमारे पास एक कैटलिस्ट है जो कि मेटल होता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, भी हो सकता है, ठीक। और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, इस तरह के कंपाउंड में। क्या हुआ, ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया और हमारे पास ये बनने वाली चीज एक अल्कोहल है जिसको इथिनोल या अल्कोहल कहते हैं, डायल अल्कोहल कहते हैं। तो पहले स्टेप में टोटल सिंथेसिस में क्या हुआ, हमने एक अल्कोहल बनाया, ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, हम पहले स्टेप से गुजरे। अब दूसरे स्टेप में हम देखते हैं, हमने क्या किया, इस अल्कोहल को जिसका नाम इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, इसकी फर्दर हम लोगों ने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी, नेसेंट ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन किया। साथ में हमने क्या किया, हमारे पास मुख्तलिफ कैटलिस्ट थे, उनको हमने यूज किया और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इथेन कंपाउंड। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद था, अब यहाँ देखिए
क्या है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और एक हाइड्रोजन रिमूव एक ये होता है, एक ये होता है, और हमारे पास बेसिकली पानी बनता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये क्या कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ कार्बन है हाइड्रोजन है, ऐसी चीज को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो यानी हमारा टारगेट ना अल्कोहल बनाना था, हमारा टारगेट ना एल्डिहाइड बनाना था, बल्कि कुछ और है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजार रहे हैं। तो ये बेसिकली टोटल सिंथेसिस है, हमने इथेन से इथेनॉल बनाया जो हमारा प्रोडक्ट नहीं, जो मेन चली, हमने इथेनॉल से इथेनल बनाया, एल्डिहाइड बनाया, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा बिटर से। हमने क्या किया, ये इथेनल है, एल्डिहाइड है, हमने क्या किया, इसका रिएक्शन अब ऑक्सीजन के साथ किया, नेसेंट ऑक्सीजन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, इस तरह से इस कार्बन यहाँ पर मौजूद है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, अब ये चीज कहलाती है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम इथेनोइक एसिड है। तो हमने प्रोडक्ट बनाना था इथेनोइक एसिड, हमने इसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजार के बनाया, ये टोटल सिंथेसिस है। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों ने नेचुरल लिया या नहीं लिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब पार्शियल सिंथेसिस क्या चीज है, डिजायर्ड कंपाउंड हम बनाते हैं, लेकिन उसको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रिएक्शन से बनाते हैं, यानी हमारी मर्जी का एक प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के जरिए बनाते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, ठीक, बस हमने क्या करना है कि हम लोग स्केप करेंगे कुछ स्टेप्स को। इधर देखिए, ये हमारे पास इथेन है, हम इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं, कैटलिस्ट मौजूद है, इथेनॉल कैसे डायरेक्ट हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों ने एक नेचुरल सोर्स से लिया या नेचुरल सोर्स से ना लिया, हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मल्टीपल स्टेप में नहीं बनाया, बल्कि एक स्टेप में बना दिया, स्केप कर दिया सारे स्टेप्स को, तो इसको हमारे कोर्स में पार्शियल सिंथेसिस का नाम दिया गया। तो हमने क्या किया, मल्टीपल स्टेप्स यूज नहीं किए, बल्कि सिंगल स्टेप में हम लोगों ने कुछ स्टेप्स को स्केप करके डायरेक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, हमने इथेन का यूज नहीं किया, हमने इथेनॉल अल्कोहल का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट इथेनल का एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ये हमारे पास कहलाता है पार्शियल सिंथेसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज है, जरा से देखते हैं, केमिकल कंपाउंड प्रिपरेशन होती है, जारी बात है, हम लोग नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल है, प्लांट है, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, हम केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बायोलॉजिकल सिस्टम है, उससे बना रहे हैं, यानी कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है तो लिविंग से निकला जा रहा है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम से, तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या बायोलॉजिकल सिस्टम से निकले, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जारी बात है, इथाइलिन है हमारे पास कंपाउंड है, अल्कोहल है, इथिनोल, हार्मोन्स है, विटामिन है, साथ में एंटीबॉडीज है, वैक्सीन हमारे पास होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम से आते हैं, लेकिन होते ये ऑर्गेनिक ही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कोल इंटू पेट्रोलियम, आखिर कोयले को कैसे पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली हम ये जानते हैं कि पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल है, और डीजल फ्यूल है, ये आई डिमांड है, इनकी डिमांड ज्यादा है, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इनकी यूज ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करें कि कोयले को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल हाइड्रोकार्बन में, ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कोयले के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, लो क्वालिटी का कोयला हमारे पास ज्यादा मौजूद होता है, हम उस लो क्वालिटी के कोयले को कन्वर्ट कर दें और उससे हाइड्रोकार्बन बनाए, जिनसे हम पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और डीजल फ्यूल बाद में बना सके। तो क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, तो हम कोयले को, क्योंकि कोयला पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाता है, जिसके लिए पेट्रोल है वो कम पोल्यूशन फैलाता है, और केरोसिन ऑयल वगैरह जिसको हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, डीजल एंड उसको गाड़ी में यूज करते हैं, तो ये ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है, तो हम कोयले को कन्वर्ट कर दें हाइड्रोकार्बन में, इसी को हम लोग कन्वर्जन ऑफ कोल इंटू पेट्रोलियम कहते हैं। अब इसके लिए कोयले को कन्वर्ट किया जा सकता है पेट्रोल, केरोसिन ऑयल या डीजल में, एक साइंटिस्ट है फिशर ट्रॉश, ट्रॉश बोल देते हैं, प्रोसेस है उसके जरिए हम लोग कर सकते हैं, फिशर ट्रॉश प्रोसेस,
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग कोयले को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स में। तो कोयले की कन्वर्जन के लिए हमें फिशर ट्रॉश प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो फिशर ट्रॉश प्रोसेस क्या है? ये एक केमिकल्स का सेट है, केमिकल रिएक्शन है उसका एक सेट है, यानी एक नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। ये सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिसका काम क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को इनटू अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन। हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ केमिकल्स, एक ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन लिक्विड में पाए जाते हैं। जैसे ये हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, एक कैटलिस्ट यहाँ पे कोबाल्ट है, हमने उसे यूज किया। सही, टेम्परेचर हमने दिया कितना, 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कितना दिया, 1 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई। अब इसमें हमने क्या किया, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को इंटरैक्ट करके, पहली चीज तो सारी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है तो पानी बनेगा, ये तो कंफर्म बात है। साथ में क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बन गया। ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत यूजफुल है जिसको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में, कैरोसिन ऑयल में, मोबाइल ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल में, या डीजल वगैरह में। तो ये बड़ा यूजफुल स्टेप था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।